माया विद स्ट्रेंजर्स, माया है वो स्ट्रेंजर्स के साथ है, ये सारे जो है वो स्ट्रेंजर्स है, अजनबी है, जिसे माया पहचानती नहीं है। माया इज ऑन हर वे टू स्कूल, माया है वो वे मतलब रास्ते पे है, कौन से रास्ते पे, तो स्कूल के रास्ते पे है, माया है वो स्कूल के रास्ते पे है। सम पीपल माया डज नॉट नो ट्राई टू टॉक टू हर, सम पीपल, सम मतलब थोड़े से, पीपल मतलब लोग, थोड़े से ऐसे लोग है जो माया डज नॉट नो, जो माया उसे पहचानती नहीं है, ट्राई टू टॉक टू हर मतलब वो ट्राई करती है, क्या ट्राई करती है, बात करने की ट्राई कर रहे, जो ऐसे कोई पीपल है जो माया उसे पहचानती भी नहीं है, पर फिर भी वो लोग है वो माया से बात करने की ट्राई कर रहे हैं। व्हाट शुड माया डू, माया क्या करेगी, हेल्प माया मेक द राइट चॉइस, माया को आपको मदद करनी है। अब तो आपको पता चल गया ना कि मैंने आपको कितना सारा सिखा दिया कि डोंट टेक, डोंट गो, डोंट क्वाइट, डोंट कीप क्वाइट, आपको मैंने ऐसी सारी थिंग्स सिखाई कि ये नहीं करना है, किसी से हमें कुछ लेना नहीं है, किसी के साथ नहीं जाना है, कभी भी हम अलोन हो, अकेले हो तो क्या करना है, हमें क्वाइट, चुप रहना नहीं है, तो ये सारी थिंग्स सिखाई। तो अब क्या करना है, तो अब आपको हेल्प करनी है, किसकी करनी है, हेल्प माया, माया की मदद करनी है, मेक द राइट चॉइस, सही चुनने में आपको माया की हेल्प करनी है। अभी राइट चॉइस मतलब सही चुनने में, सही चुनने में आपको माया की हेल्प करनी है। चूज द करेक्ट स्टिकर फ्रॉम द स्टिकर शीट एंड स्टिक इट इन ईच बॉक्स, चूज द करेक्ट स्टिकर मतलब पीछे से द स्टिकर शीट, स्टिकर शीट में से आपको करेक्ट स्टिकर चूज करना है, ओके, चूज द करेक्ट स्टिकर मतलब आपको स्टिकर्स चूज करने हैं, एंड स्टिक इट इन ईच बॉक्स, एक एक बॉक्स पे आपको वो स्टिक करना है। आपको कहाँ से मिलेगा स्टिकर, तो ये आपको स्टिकर मिलेंगे लास्ट सेकेंड पेज से, सी दिस पेज नंबर 29, देखो यहाँ पे भी पेज नंबर आपको 29 दिया है, ओके, दिस वन 29, तो हम पीछे भी देखेंगे, पीछे देखेंगे पेज नंबर 29, ओके, चलो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से स्टिकर्स हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, ओके, फर्स्ट वन यहाँ पे ऐसा दिया है, ये जो हाउस है वहाँ पे देखो ये वाला, ये जो देखो अंदर से ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कम इन, कम इन मतलब अंदर आओ, हम ऐसे बोलते हैं कम इन, आई हैव सम बिस्किट फॉर यू, कम हियर मतलब यहाँ पे आओ, और आई हैव सम बिस्किट फॉर यू, सॉरी बिस्किट्स फॉर यू, बिस्किट्स मतलब मेरे पास बिस्किट्स है थोड़े से, सॉरी मेरे पास थोड़े बिस्किट है तो तुम्हारे लिए, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, यहाँ पे आओ ऐसे बुला रहा है कि यहाँ पे आओ, और आई हैव सम बिस्किट फॉर यू, आप मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़े बिस्किट है। देखो ये जो गर्ल है माया वहाँ पे जा रही है तो ये ऐसा बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, वो बिस्किट लेना है। मैंने अभी क्या सिखाया था, तो मैंने ऐसा सिखाया था कि हमें स्ट्रेंजर से, हम जिसे पहचानते नहीं है उससे आपको क्या लेना है, स्ट्रेंजर से ये जो बिस्किट्स है वो लेना नहीं है। चलो अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे लिखा है कि कम इन आई हैव सम बिस्किट फॉर यू, कम इन मतलब यहाँ पे आओ, एंड आई हैव मेरे पास थोड़े से बिस्किट है, तो किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे स्टिकर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम पीछे से लास्ट सेकेंड पेज पे यहाँ पे स्टिकर्स दिए हैं, ओके, तो हम स्टिकर्स को ऐसे रीडिंग करते हैं। तो फर्स्ट हमने ऐसे रीड किया था कि आई डोंट स्टॉप एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स व्हेन आई एम अलोन, अगर मैं अकेली हूँ तब किसी से बात नहीं करनी है और मुझे स्टॉप मतलब खड़ा
नहीं होना है. ओके, सेकेंड वन ऐसा है, आई डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, मुझे स्ट्रेंजर्स से कुछ लेना नहीं है. नेक्स्ट वन इज आई डोंट गो एनीवेयर विद स्ट्रेंजर्स, मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं पे जाना नहीं है. आई डोंट गो टू एनीवन्स हाउस विदाउट टेलिंग माई पेरेंट्स, मुझे किसी के भी घर पे जाना नहीं है विदाउट टेलिंग माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की परमिशन लिए बिना मुझे कहीं पे किसी के भी घर जाना नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? शो ऑप्शन आएगा लास्ट वन, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे घर पे आई हैव सम बिस्किट फॉर यू, मेरे पास तेरे पास तुम्हारे लिए थोड़े से बिस्किट्स है, उसने ऐसा बोला ना. तो फिर अब क्या करना है, तो हम पीछे से लेंगे स्टिकर को, कैसे निकालोगे, तो ऐसे स्टिकर शीट है उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, देखो ऐसे. आगे स्टिक हियर, यहाँ पे अब स्टिकर करना है आपको, देन फिर यहाँ पे ऐसा बोला है यू लाइक चॉकलेट्स डोंट यू, तुम्हें चॉकलेट पसंद है, डोंट यू है ना है तुम्हें, ओके तुम्हें चॉकलेट पसंद है ऐसा बोला है. तो अब क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेना है, देखो यहाँ पे ऐसा भी दिया है आपको कि आई डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, मुझे स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं है. तो क्या करोगे आप लोग, तो यहाँ से स्टिकर को लेना है, और यहाँ पे स्टिक करना है, डन. नेक्स्ट वन ऐसा है, यहाँ पे ये बोल रहा है हाय व्हाट्स योर नेम, हाय तुम्हारा नेम क्या है, आई लॉस्ट माय पेन, कैन यू हेल्प मी, मैं अपनी पेन खो चुका हूँ, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. देखो ये है ना, कोई ऐसे स्ट्रेंजर्स है ना, वो डायरेक्टली नहीं बात करेंगे, ऐसे ही बात करेंगे कि ऐसे क्या बोलेंगे, तो हाय व्हाट्स योर नेम, हाय तुम्हारा नेम क्या है, आई हैव लॉस्ट माय पेन, मेरी पेन मुझसे खो गई है, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, ऐसा बोला है. तो यहाँ पे लिखा है कि आई डोंट स्टॉप एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स व्हेन आई एम अलोन, अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे किसी से बात करनी नहीं है. और यहाँ पे ऐसा लिखा है आई डोंट गो एनीवेयर विद स्ट्रेंजर्स, मुझे किसी का साथ जाना नहीं है. तो यहाँ पे साथ जाने की तो बात हुई नहीं है, यहाँ पे बात हुई है कि आई डोंट स्टॉप, मैं अब स्टॉप नहीं हो सकती और किसी से बात नहीं कर सकती. ओके, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से स्टिकर शीट में से स्टिकर को निकालेंगे और आगे लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट वन ऐसा बोला है वॉन्ट राइड ऑन माई बाइक, क्या तुम मेरी बाइक में वॉन्ट राइड, राइड मतलब हम जो बाइक पे जाते हैं तो ऐसे बाइक राइडिंग बोलते हैं. ओके, सो क्या तुम मेरे साथ बाइक में आओगी, मतलब राइड करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए आओगी. तो यहाँ पे क्या लिखा है आई डोंट गो एनीवेयर विद स्ट्रेंजर्स, में कोई भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं पे भी जा सकती नहीं हूँ. ओके, यहाँ से हम स्टिकर को लेंगे कहाँ पे लगाएंगे, लास्ट में. ओके, डन. देखो कितना मस्त हो गया, हमने स्टिकर्स लगा दिए. ओके, नेक्स्ट पेज, ऐसा बोला है यहाँ पे हेल्प मी प्लीज, मेरी हेल्प करो प्लीज. प्लीज मतलब हम ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, हेल्प मी मतलब मदद करना, कहाँ पे मदद करनी है, मेरे साथ फिंगर रख के बोलना है. ओके,
यू आर इन अ मार्केट बट कैन नॉट सी योर मदर एनीवेयर। आप लोग मार्केट में हो बट आप अपने मामा को कहीं पे भी देख नहीं रहे हो, एनीवेयर आजू बाजू मतलब कहीं पे देख नहीं रहे हो। Whom would you ask for help? Look at the people shown carefully. आप ऐसा बोला है कि आप अपने ये पीपल है उसको केयरफुली मतलब ऐसे ध्यान से देखो। Then follow the correct path to reach the person whom you should ask for help. आपको ऐसा बोले ये सब हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, पर आप किसको बोलोगे? ओके, whom you should ask for help. ओके, करेक्ट पाथ टू रीच द पर्सन, आपको पाथ चूज करना है और ये जो पर्सन खड़े हैं वहाँ पे हेल्प मांगने के लिए जाना है। अब कैसे जाओगे आप लोग? तो देखो यहाँ पे चलो ये एक बच्चा है, मतलब आपके जैसा बच्चा है, वो लॉस्ट हो गया है, अपनी मम्मा से अलग हो गया है, तो क्या करना है? तो वो सोच रहा है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे कहाँ पे जाऊँ, वो ऐसा सोच रहा है। सो ये बच्चा है वो उसको हम रास्ता दिखाएंगे तो उसको रास्ता इजीली मिल जाएगा। देखो ये है मैन ऑन द स्ट्रीट, इस स्ट्रीट पे खड़ा है वो मैन, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पाथ को। ओके, पहुंच गए हम लोग। यस, फिर अभी यहाँ पे एक लेडी है, अ वुमन बाइंग फ्रूट्स। ये जो वुमन है वो क्या कर रही है? फ्रूट्स ले रही है। तो ये बच्चा कैसे पहुंचेगा यहाँ से? नो, ये तो यहाँ पहुंच गए, तो फिर यहाँ से चलो गए। अरे वाह, पहुंच गए हम लोग ये वुमन के पास। अभी ये हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुंच गया। फिर पुलिसमैन के पास कैसे पहुंचेगा? तो ये रास्ता, नो यहाँ तो बंद है, ये रहा, ये रास्ते से हम लोग पहुंचने वाले हैं। यस, पहुंच गए, डन। सो हमने तीनों के पास पहुंचा दिया है। नेक्स्ट पेज, नो वन कम्स टू पिक यू अप आफ्टर स्कूल। आपको कोई स्कूल से लेने के लिए आए नहीं। Whom would you ask for help? Look at the people so carefully, then follow the correct path to reach the person whom you should ask for help. आप ऐसे पर्सन को हेल्प करने के लिए बुलाना है। आपको भी यहाँ पे भी ऐसा ही है कि स्कूल पे आप छूट गए, मतलब आप स्कूल से कोई आपको पिक करने के लिए लेने के लिए आए ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो ये किसी की हेल्प तो आपको मांगनी पड़ेगी। ओके, तो हमें माँ हेल्प कर ढूंढनी है, ये गर्ल है उसको उसके घर पे किसकी हेल्प से पहुँचाओगे? तो सबकी हेल्प लेनी ज़रूरी हो जाएगी यहाँ पे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, तो फ्रेंड को हम कहाँ से लेंगे? ये वाला रास्ता जा रहा है नहीं, ये रास्ता तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। ओके, ये रास्ता जा रहा है, देखो ये गए यहाँ से जाएंगे, डन हम लोग पहुँच गए उसके फ्रेंड से हेल्प लेने के लिए। नेक्स्ट वन है योर टीचर, आप अपने टीचर से भी हेल्प मांग सकते हो। तो हम ये रास्ता तो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते बंद, ये रहा ओपन, तो ये गए पहुँच गए हम लोग स्कूल के रास्ते, सॉरी स्कूल पे हमारे टीचर्स के पास पहुँच गए। अब है रिक्शा ड्राइवर, तो हम उसके पास कैसे पहुँचेंगे? तो ये रास्ता ओपन है, नहीं यहाँ पे तो बंद है। यस, ये रास्ता ओपन है, यहाँ से जाएंगे। ओके, पहुँच गए, डन। तो हम लोगों ने सारे रास्ते चूज कर लिए। नेक्स्ट पेज ऐसा है, बींग स्ट्रेंजर स्मार्ट, लुक एट ईच पिक्चर, एक एक पिक्चर को देखना है। इन ईच पिक्चर, एक पिक्चर पे अ स्ट्रेंजर इज टॉकिंग टू अ चाइल्ड। स्ट्रेंजर है
वो चाइल्ड से बात कर रहा है. राइट डाउन दैट व्हाट चाइल्ड शुड से. अब यहाँ पे आपको लिखना है कि आप क्या बोलते हो. राइट डाउन दैट द वर्ड चाइल्ड शुड से. चाइल्ड क्या बोलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे स्ट्रेंजर बोल रहा है कि हेलो वुड यू लाइक टू हैव अ लॉलीपॉप. ओके, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है वो कि तुम्हें लॉलीपॉप अच्छी लगती है. तो यहाँ पे आपको लिखना है यस और नो, फिर पूरा आंसर मेंशन करना है. वो आपको अपनी तरह से करना है. ओके, यहाँ पे मैं हेल्प करूँगी नहीं आपकी, मतलब आप क्या बोलते हो वो लिखना है. यहाँ पे मेरा लिखना नहीं, मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगी नहीं. आप बच्चे हो तो आपको अपनी तरह से लिखना है. ओके, लेट्स गो, योर मदर वॉज गेटिंग लेट एंड शी हैज आस्क्ड मी टू पिक अप यू. आपको ऐसा बोला है पिक यू अप, आपको ऐसा बोला है कि ये जो गर्ल, ये जो लेडी है वो ऐसा बोल रही कि चलो मेरे साथ, तुम्हारी मम्मा है उसने मुझे बोला है कि तुम्हें उसके उसे लेट हो रहा है तो तुम्हें पिक करने के लिए, स्कूल से लेने के लिए बोला है. ऐसा कुछ होगा, क्योंकि देखो ऐसा होगा तो क्या करेगी आपकी मम्मा, आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देगी. पर यहाँ पे तो देखो सीधे ही स्ट्रेंजर बोल रहा है, तो ऐसे किसी के साथ जाना है कि नहीं है वो आपको याद करना. मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है. यहाँ पे ऐसा वो लेडी बोल रही है, माई सन गोज टू योर स्कूल टू, लेट मी ड्रॉप यू. आपको ऐसा बोला है कि मेरा सन है वो भी तुम्हारे स्कूल में है, जाता है. लेट मी ड्रॉप यू, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप मतलब छोड़ देती हूँ. ओके, लेट मी ड्रॉप यू, ऐसा उसने बोला है. फिर नेक्स्ट पेज पे लर्न टू फोन नंबर्स यू कैन कॉल व्हेन यू नीड हेल्प, राइट देम हियर. लर्न मतलब सीखने हैं. कैसे? टू फोन नंबर, टू ऐसे फोन नंबर्स यू कैन कॉल व्हेन यू नीड हेल्प. जैसे आप अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला सको, कॉल मतलब कॉल कर सको. राइट देम हियर, यहाँ पे लिखना है. ओके, यहाँ पे आप अपने मम्मा के, डैडी के या फिर ऐसे दो नंबर्स को आपको लिखना है, फोन नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है. ओके,